आजकल इंटरनेट पे जेसीबी बहुत चल रहा है, हमें मिल गया जेसीबी कहाँ है। तो मैंने बोला था कि मैं वीडियोस जो है वो नहीं बनाऊंगा कुछ दिनों के लिए। लोगों ने उसे पूरा नहीं पढ़ा तो कई लोग उदास हो गए। ऐसी बात नहीं है, मैं वीडियोस बनाना बंद इसलिए कर दिया था क्योंकि लगभग मुझे एक साल हो गए ब्लॉगिंग करते करते। मैंने सोचा कि ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया लेके आना चाहिए और कुछ ऐसा जो अब तक किसी ने नहीं किया हो। तो थोड़ा सा टाइम का मैंने रेस्ट लिया था जो कि कंप्लीट हो चुका है, और काफ़ी कुछ मैंने नया सीखा इस दौरान। क्योंकि आपको पता है जब हम ब्लॉग करते हैं ना तो हमारा एक सिंपल सा शेड्यूल होता है, सो के उठते हैं, सीधा ऊपर अपने रूम में आता हूँ मैं, प्लान बनाता हूँ कि आज कहाँ जाना है, कैमरा लेके निकल जाता हूँ, शूट करता हूँ, फिर शाम को वापस आता हूँ, उसको एडिट करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ और सो जाता हूँ। कुछ नया देखने को नहीं मिल पा रहा था। तो लगभग मैंने 5-7 दिन का गैप लिया और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, और इस दौरान कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे गिफ्ट भेजे हैं। खोल के देखते हैं। वैसे मैं इसको पहले ही खोल के देख चुका हूँ। आपको लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू मुझे कोई गिफ्ट मिले या कुरियर मिले तो मैं एक मिनट भी रुक पाऊँगा उस चीज़ को खोले बिना? तो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं खोलने की। ये भेजा है अतुल ने और मैं इसको ऑलरेडी खोल के देख चुका हूँ। ओह थैंक यू अतुल। और जब मैंने इसका फर्स्ट पेज खोला तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, वो आपको दिखाता हूँ। उस पर लिखा हुआ है, टू डियर अंजुल सर फॉर कंप्लीटिंग 1 लाख यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड योर ग्रेट वर्क टुवर्ड बुद्धिज्म फ्रॉम अतुल। थैंक यू सो मच अतुल। ये बहुत ही शानदार किताब है, ये धमपद है। और क्या होता है कि हमें जब भी कुछ इस तरह की खोज करते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को खोजना पड़ता है बुक्स के अंदर। तो ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल और बहुत काम आने वाली किताब रेफरेंस के लिए, और फ्री टाइम पे मैं इसको पढ़ूंगा। और ये दूसरा जो है ये भेजा है हमें वीरेंद्र कुमार ने BHU वाराणसी से। ये एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर शादी का कार्ड है। 2 जून की शादी है और हमें इनवाइट किया है, तो थैंक यू वेरी मच। जस्ट अभी हम लोग वाराणसी से लौट कर आए हैं। काफ़ी अच्छा लगा कार्ड, काफ़ी सुंदर लगा मुझे देखने में। जिनकी शादी है उनको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। कार्ड काफ़ी सुंदर है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये शादी का कार्ड हमें कुरियर से आया था, ये मेरे घर पर आए हुए कार्ड है। अब देखिए कार्ड में चीज़ों को देखिए किस तरह से लोग बदल रहे हैं। पहले ऐसे कार्ड साल में एक आध बार आते थे, अब जितने भी शादी के कार्ड आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं। और इनमें से कुछ ऐसे लोगों के भी कार्ड हैं जो पहले ऐसे छपवाते नहीं थे, लेकिन अब वो ऐसे छपवा रहे हैं। बड़ा देखने में सुंदर लगता है ये। तो लगभग एक साल हो गया ब्लॉगिंग करते हुए और काफ़ी कुछ चेंजेस आए, अगर आप देखोगे बात करने की स्टाइल में, वीडियो क्वालिटी में और सब्सक्राइबर्स में। तो बिल्कुल 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और नेक्स्ट टारगेट मतलब 2020 तक का टारगेट है 10 लाख का, और आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो वो भी कंप्लीट कर लेंगे हम। आने वाले टाइम पे आपको डेफिनेटली बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो एक साल में बहुत कुछ बदला है। पहले पब्लिक प्लेस में बात करने में थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अब आदत पड़ गई है। और यहाँ सन्नी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। अरे स्टार्ट नहीं किया मैंने, स्टार्ट नहीं किया मैंने। अच्छा, इलेक्शन का रिजल्ट आया है और इलेक्शन के रिजल्ट बहुत ही लोगों को ऐसा लग रहा है बहुत अजीब सा आया हुआ है, और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं हमारे, कुछ जो है वो किचन में पहुंच गए हैं न्यूज़ आइटम छोड़ के आजकल चिकन बना रहे हैं, और कुछ जो है वो किला दिखा रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एरिया है ग्वालियर का, यहाँ पर इतना खासा न्यूज़ होती नहीं है, हमें बनानी पड़ती है न्यूज़। कुछ टाइम बाद अगर आप न्यूज़ मीडिया भी खोल के देखोगे ना तो कहीं आपको ये दिखाया जाएगा कि साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, वहाँ पे किस तरह से हिटलर राज चल रहा है, या फिर कभी आसमान से एलियंस आए तो न्यूज़ मीडिया भी इस तरह की वीडियोस चलाने लग जाता है। हम तो फिर काम की चीज़ दिखाते रहते हैं। टीवी एक्ट्रेस हैं जो सीरियल वगैरह बनाते हैं उनकी लाइफ दिखाएंगे।
वो भी किचन में जाते हैं, मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, नेशनल दस्तक ने एक वीडियो जारी किया था सैयद सुजा के साथ, जो बहुत कुछ ये बताया जा रहा था कि सैयद सुजा जो हैकिंग करने वाले हैं और उसके बाद चुनाव के रिजल्ट वो बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो ये बात मेरे को पहले से ही पता था कि ऐसा संभव है नहीं है हैकिंग के द्वारा। अभी रिजल्ट वाले दिन सुबह 8 बजे समूह भाई को फ़ोन लगाया था और उनको उनसे बात की थी। कैसे हो शंभू भाई? अरे मैं सो रहा हूँ। अभी आप सो रहे हो, आज इलेक्शन का दिन है, आप मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरे मैं 8 बजे उठूंगा यार। तो शंभू भाई, अभी मुझे एक सवाल ये पूछना था कि जो आप बहुत 2-3 दिनों से सैयद सुजा के साथ बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे सवाल उनसे पूछ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है जो वीडियो, जैसे वो बोल रहे हैं कि विदेश में बैठकर वो ईवीएम के जो वोटिंग रिजल्ट है वो चेंज कर देंगे, आपको लगता है कि संभव है? आपको यकीन है उन पे? देखिए, चुनाव आयोग तो नहीं मानता है कि गड़बड़ियां होती। मैं सैयद सुजा से इसलिए बात करता हूँ कि वो, उनका दावा है कि वो सब तरह काम कर चुके हैं, वो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जिसमें कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। और जब सैयद सुजा से आप बातचीत करेंगे तो ऐसा लगता है कि उस बंदे के पास टेक्निकल सोशल सारी जानकारी है, तो एक जो भारत के पत्रकार है उससे ज्यादा समझदार तो है। अच्छा अच्छा, लेकिन जितना मुझे टेक्निकल थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई दूसरे का मोबाइल हैक करने से पहले भी उसको सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है दूसरे के मोबाइल पे, तब उसकी जानकारी आप तक मिलती है या फिर आप कुछ भी चीज चेंज कर सकते हो। लेकिन एक ईवीएम जिसमें आपका कोई एक्सेस नहीं है, वहाँ जाने को आपको अलाउड नहीं है, और आप विदेश में बैठे हो और वहाँ से आप बोलते हो कि मेरा 70 लोगों की टीम है और सिर्फ ईवीएम का एक नंबर, ऐसे कुछ बता रहे थे ना, ईवीएम का कोई नंबर आप मुझे दे दो तो मैं उसकी डिटेल निकाल के आपको बता सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा डाउट लगता है। आप तो सुबह 8 बजे मैंने उनको बोल दिया था कि ये संभव नहीं है, जो सब हो रहा है ये इम्पॉसिबल है, और मेरा क्या जो एक सीरीज चल रहा था, हम लोग बोधगया गए हुए थे मैं और सन्नी, तो वो कंटिन्यू चल रहा था, इस वजह से मैंने बीच में कोई वीडियो डाला नहीं, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट अभी दिखाया है मैंने। बहुत सारे मेरे ब्लॉग्स में जो है सन्नी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसकी जो एंट्रेंस आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है लोगों को, और मैंने भी कुछ लोगों को ये बोला कि सन्नी जो है वो दाल में तड़के की तरह है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग अंजल भैया के जो दर्शक मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइफ ऑफ सन्नी। दाल में तड़के की तरह तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा फेमस हो जाए, तो इसका मैं आज इलाज करने वाला हूँ, मतलब इस तड़के को निपटाना पड़ेगा। तुमने एवेंजर एंडगेम पिक्चर देखी है? अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चलो सनी से पीछे छोड़ा लिया मैंने, इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आत्मा होती है आगे देख आगे, क्या आप मुझे प्रबद्धाम करने वाले हो कि मैं हेलमेट ही लगाता? अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा।